यह बात 2 साल पुरानी है, जब मेरे सेठ ने मुझे देरी से काम पर जाने की वजह से नौकरी से निकाल दिया था। घर आते वक्त रास्ते में मैंने देखा एक पिद्दी सा फकीर पेड़ के नीचे बैठा है और झाड़ फूक कर रहा है। उसके पास 3-4 लोग बैठे हैं और उसे झाड़ फूक करने के 50 और 100 रुपये दिए जा रहे हैं। मेरा माथा ठनका। मैंने वही सोचा कि अब ये झाड़ फूक का काम करूँगा। मुझे लगा कि भूत पेताल भगाने का धंधा ही मेरी नैया पार लगा सकता है। घर जाकर फौरन फातिमा से मैंने अपना आइडिया कहा। फातिमा ने मेरा आइडिया सुनने के बाद चूल्हे पर तपड़ी कढ़ाई उछालकर मेरे पर फेंकी। गाली देते हुए उसने मुझे दूसरी नौकरी ढूंढने को कहा, पर मैंने उसे एक आध हफ्ते में चिकनी चुपड़ी बात करके एक आध दो महंगे तोहफे देकर मना लिया और अपनी ओर कर ही लिया। अगले दिन हमने घर साफ करके आगे वाले कमरे में पूरा तामझाम लगा दिया और हर जगह बात फैला दी कि भूत पिशाच आत्मा साया टोटका प्रेत किसी प्रकार की तकलीफ का इलाज हम करते हैं। दिन पर दिन लोग हमारे घर अपनी तकलीफ लेकर आने लगे और चढ़ावा देने लगे। कोई पैसा देता तो कोई फल देता, कोई कपड़ा देता तो कोई कुछ चीज दे देता। घर में पैसे आने लगे तो अब फातिमा भी खुश थी, जिंदगी मजे से कट रही थी। मानसिक तनाव में भूत बाधा के असर वाले लोगों को मैं इलाज के नाम पर 2-3 थप्पड़ लगा देता, कुछ अजीब गरीब मंत्र बड़बड़ा लेता, थोड़ा उस पर चिल्ला लेता और उसे पानी के छींटे मारकर जाने को कह देता। ज्यादा वक्त कुछ लोग कुछ न कुछ दे ही देते और उसी कुछ न कुछ से मेरा बहुत कुछ फायदा हो जाता था। मेरी इस ठगी के धंधे में उस दिन भूचाल आया जब एक पहाड़ी जवान लड़के को 4 लोग बेड़ियों में जकड़कर मेरे घर लाए। उन्होंने कहा कि इस लड़के पर लाल चौक के पीड़ित ने कब्जा किया है, आप इसका इलाज करो। मुझे उस खूंखार लड़के को देखकर ही डर लग रहा था, फिर भी मैंने अपना नाटक स्टार्ट किया और उसको इलाज के नाम पर 2-3 करारे थप्पड़ जड़ ही दिए और साथ में मैं उस पर चिल्ला भी दिया कि छोड़ दे इस जवान लड़के का शरीर वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। वह बेड़ियों में बंधा लड़का मुझे देखकर हंसने लगा और गुस्से में मुझसे कहा कि मैं जानता हूँ कि तू कोई ओझा नहीं है, मैं एक एक थप्पड़ के बदले तेरा एक एक मुट्ठी गोश्त निकालूंगा। एक पल के लिए मुझे लगा कि कहीं ये कोई न्यूज चैनल वाला तो नहीं है जो मेरा भांडा फोड़ने आया है, पर उसकी धमकी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और अब मुझे लोगों के सामने अपनी इज्जत भी बनाए रखनी थी तो मैंने इलाज के नाम पर 5-6 थप्पड़ और उसे जड़ दिए। वह फिर बोला, हिम्मत है तो हाथ खोल। अब मैं डर भी रहा था और दुआ भी कर रहा था कहीं इसके अंदर छुपा प्रेत मेरे पीछे न पड़ जाए। मैंने फौरन उसके साथ आए लोगों को ले जाने को कहा, पर वह मना करने लगे। वह बोले कि आप इसकी तकलीफ दूर करो तभी हम जाएंगे। रात के 3 बजे तक वह मेरे घर पर ही बैठे रहे। सारे लोग चले गए फिर भी वह 4 लोग उस बंधे हुए आदमी को लेकर मेरे घर पर बैठे रहे। मैंने अंत में कहा कि अब मैं पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस का नाम सुनते ही वह चारों हंसने लगे और उन्होंने उस बंधे आदमी को वहीं खोल दिया और अगले ही पल वह चारों अंधेरे में अदृश्य हो गए। यह देखकर मेरे तो होश उड़ गए। वह पहाड़ी नौजवान बेड़ियों के खुलते ही अंधेरे में मेरी ओर दौड़ा, जैसे भूखा शेर किसी हिरन के बच्चे की ओर लपकता है। उसने मुझे दबोच कर नीचे गिरा दिया और मुझे अपने नुकीलो दांतों से काटने लगा और घूरने लगा। मेरी धड़कनें तेज हो गई और चीख निकल गई। फिर मैं सदमे से बेहोश हो गया और मेरी आवाज सुनकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। जब जागा तो वह रसमई पहाड़ी इंसान जा चुका था। मेरा सिर मेरी बीवी फातिमा के गोद में था और सारे पड़ोसी मेरे आसपास खड़े थे। अगले दिन सुबह ही मैंने झाड़ फूक का सारा पाखंड बंद कर दिया और अपने पुराने सेठ के पैर पकड़ लिए और पुरानी नौकरी वापस शुरू कर ली।